सब्जियों के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। बाजार जाओ तो हर सब्जी इतनी महंगी है कि ग्राहक सब्जियों के दाम सुनकर जेब से हाथ वापस खींच लेता है। और टमाटर से इस वक्त इतना लाल हो गया है कि सलाद तो दूर की बात, सब्जी में डालना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि आप टमाटर के बिना नहीं रह सकते, न केवल वे कई व्यंजनों और खाद्य पदार्थों में एक लोकप्रिय घटक है, बल्कि वे अपने आप में स्वादिष्ट भी है। और सलाद से लेकर सैंडविच और पास्ता व्यंजनों तक हर चीज के लिए उपयुक्त है। बड़ी बात है कि टमाटर की कीमतों में उछाल से जहां आम आदमी की कमर टूट गई है, वहीं किसानों की लॉटरी लग गई है। देश के कई किसानों को टमाटर की फसल ने करोड़पति बना दिया है। वहीं अब आम आदमी की जेब सब्जी की खरीद से खाली होने लगी है, लेकिन सब्जी का थैला थोड़ा भी नहीं भर पा रहा है। ग्राहक एक किलो टमाटर लेने जाता है, लेकिन दाम सुनकर आधा किलो में ही संतुष्ट हो जाता है और सोचता है थोड़ा और कम हो जाता तो अच्छा होता, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा। भारी बारिश और बाढ़ से जहां किसान और नदी किनारे रहने वाले तबाह हुए, वहीं अब महंगी होती सब्जियों के असर से आम आदमी बच नहीं सका है। किसी समय में 20 से 30 रुपए में बिकने वाला टमाटर आज 100 से ऊपर की छलांग लगा रहा है। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों ने न केवल मिडिल क्लास लोगों की जेब पर डाका डाला, बल्कि बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के भी पसीने छूट गए हैं। हालात ये है कि कंपनियां भी टमाटर से किनारा कर रही है। हाल ही में देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने काफी सुर्खियां बटोरी। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच मैकडॉनल्ड ने अपने फूड आइटम से टमाटर को हटाने का ऐलान किया था। अब सबवे ने भी अपने सैंडविच सलाद से टमाटर हटाने का ऐलान किया है। हालांकि सबवे ने इसकी वजह टमाटर की बढ़ी हुई कीमत नहीं बल्कि कुछ और बताई है। भारत में कुछ सबवे आउटलेट ने क्वालिटी की समस्याओं के चलते सैंडविच और सलाद सहित अपनी कुछ डिशों में से टमाटर हटा दिया है। ये किसी विदेशी ब्रांड की तरफ से लिया गया ऐसा लेटेस्ट फैसला है, क्योंकि टमाटर की कीमतें लगभग 400% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।